जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप लोग सेट पर देख सकते हैं, अगर आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर यही प्रॉब्लम शो हो जाएगा रिव्यू रिक्वेस्ट वाला। आप लोग ने काफी तरह से ट्राई कर दिया लेकिन आपका जो प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ। आप लोग यूट्यूब पे आकर सर्च भी कर दी, काफी लोगों का वीडियो भी देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल गया। इसकी वजह से आप लोग काफी परेशान भी है। तो आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग इतना कमाल के ट्रिक शेयर करने वाला कि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बता दिया। तो ये कौन सा ट्रिक है आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला। तो चलो वीडियो कर लेते स्टार्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो फॉर्मेट पे आते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतुल्ला है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मोहलिस्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले बार है तो जल्दी से आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलो मजीद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके आगे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। जैसे मैंने अपना मोबाइल उठा दिया, उसके बाद मैं अपना मोबाइल में क्रोम ओपन करता हूं। आपके पास कोई भी ब्राउजर है तो सिंपली आप लोग ओपन कर देना और फिर उस ब्राउजर में आप लोग अपना अकाउंट भी लॉग इन कर देना। मैंने पहले से अकाउंट लॉग इन कर दिया, जिसके आप देख सकते इस अकाउंट के ऊपर रिव्यू रिक्वेस्ट वाला प्रॉब्लम आया हुआ है। अभी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाएगा आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाजमी वॉच कर देना, वीडियो किसी भी जगह पे स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप लोग ब्राउजर में न्यू टैब ओपन कर देना, हर ब्राउजर का अलग अलग तरीका है। क्रोम ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए आप लोग इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना या से प्लस के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके ब्राउजर में न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद सारी बार के ऊपर टैप कर देना और यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना रिपोर्ट एंड इशू, बस इतने से आप लोग एंटर कर देना और सैंपल आप लोग ऐसे सर्च कर देना। जैसे आप लोग ये सर्च करेगा तो उसके बाद एस एंटर पेज आ गया। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट शो हो जाएगा, रिपोर्ट एंड इशू विद होम पेज और न्यूज पेज, फेसबुक ऑफिशियल वेबसाइट है तो ये आप लोग ओपन कर देना। तो चला अभी ऐसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद एस एंटर पेज आ गया। बस सैंपल आप लोग भी ये वेबसाइट ओपन कर देना और इसके एंटर पेज आप लोग देख सकते हैं। अब इस पर मैं सब्जेक्ट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप दी शो वाला शो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या एंटर करो तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसके लिए मोबाइल को होम स्क्रीन पे आता है और यहाँ से मैं नोट पैड ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और अपील पहले से तैयार कर दी, आप लोगों को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। बस सिंपल से तरीका और एक ही बात की, अपील के आखिर में आप लोग अपना अकाउंट का फुल नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। अगर आपके अकाउंट के ऊपर ईमेल ऐड नहीं है तो यहाँ पर आप लोग फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट कॉपी करता हूँ। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोबारा इस पेज पे आता है और यहाँ पर लाकर सिंपली ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन आप दी छू, तो यहाँ पर आप लोग अपना अपील को एंटर कर देना। तो चलो इसके लिए दोबारा मैंने नोट पैड पे आता और यहाँ से जो अपील था इस तरह मैंने सेलेक्ट कर दिया और कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोबारा इस पेज पे आता और यहाँ पर लाकर सिंपली ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। अपील पेस्ट करने के बाद नीचे इस अकाउंट का जो डिटेल था वो एंटर करता हूँ। तब तक के लिए ऐसे वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। हाँ जी, अपन मैंने अकाउंट का डिटेल भी एंटर कर दिया, इस तरह आप लोग भी अपना अकाउंट का डिटेल एंटर कर देना। उसके बाद नीचे स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है और यहाँ पर चूज फाइल भी लिखा, तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉब्लम से स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर आप लोग अटैच कर देना। कौन सा प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को दिखा दो। हाँ जी, आप देख सकते हो दोबारा मैंने वही पेज ओपन कर दिया, यहाँ से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वहाँ पर आप लोग अटैच कर देना। मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लिया था, दोबारा इस पेज पे आता और यहाँ से चूज फाइल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और फिर अपने गैलरी से वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करता। हाँ जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी सेलेक्ट कर दिया। बस इतने से काम करने के बाद आगे आप लोग और कुछ भी नहीं करनी है, अपील आप लोग सेंड कर देना। तो इसके लिए नीचे सेंड वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ से अपील हेल्थ सेंटर पर सेंड हो चुका है। उसके बाद फिर आप लोग अपना ब्राउजर में एक और न्यू टैब ओपन कर देना। हाँ जैसे मैंने ओपन कर दिया, फिर यहाँ से आप लोग सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना रिपोर्ट पर आप लोगों को लॉगिन। आप देख सकते कि ऐसे ही मैंने एंटर कर दिया और आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। बस सिंपल आप लोग इस तरह सर्च कर देना तो उसके बाद एस एंटर पेज आ जाएगा। यहाँ पर टॉप पे फेसबुक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, रिपोर्ट पर आप लोग लॉगिन, तो सिंपली आप लोग ओपन कर देना। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो ये फॉर्म आप लोग फिल कर देना। सबसे पहले जो बॉक्स हो जाएगा यहाँ पर लिखा टेलर्स व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पर आप लोग अपने अपील को पेश कर देना जो आप लोगों ने पहले वाला अपील में लगा दिया। मैंने पहले से कॉपी करके रखा तो यहाँ पर मैं पेश करता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने अपील भी पेश कर दिया। अपील के आखिर मैंने अकाउंट का डिटेल भी एंटर कर दिया, जिसके अकाउंट का फुल नेम, ईमेल और डेटा, पर इस तरह आप लोग भी अपना अकाउंट का डिटेल एंटर कर देना। उसके बाद नीचे का और ऑप्शन शो हो जाएगा चूज फाइल, तो यहाँ पर आप लोग अपना गोल्डन आई डी कार्ड अटैच कर देना, चाहे आपके पास कोई भी आईडी कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन उस आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ मैचिंग होना जरूरी है। अगर आपके पास इस तरह आईडी कार्ड है तो यहाँ पर आप लोग अटैच कर देना। बाजू लोगों के पास कोई भी गोल्ड नमीन आईडी कार्ड नहीं है, उसके पास आईडी कार्ड है लेकिन उसके ऊपर नेम और डेट ऑफ बर्थ वो मैचिंग नहीं करे तो आप लोग क्या करेगा। इसके लिए मैं आप लोग एक ही बात बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन करने का जो चांस है वो बहुत कम है। अगर आप लोग अपना रियल आईडी कार्ड अटैच करें तो फेसबुक टीम आपका अकाउंट जल्दी रिव्यू करेगा। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को पहले से क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग अपना आईडी कार्ड अटैच कर देना। फिर अगर आपके पास फिर भी आईडी कार्ड नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट अटैच कर देना, किस्मत की बात है शायद आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो अब मेरे पास इस बंदे का कोई भी आईडी कार्ड नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ। चूज फाइल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और अपने गैलरी से वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी सेलेक्ट कर दिया, आगे आप लोग और कुछ भी नहीं करना है, अपील सेंड कर देना। तो इसके लिए नीचे सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यह सब पी 100% हो चुका है। बस इतने से काम करने के बाद मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ जाना और आप लोग अपना मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर देना। उसके बाद सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना फेसबुक, और सिंपल आप लोग ऐसे ही सर्च कर देना। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास फेसबुक आ जाएगा, ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर देना। उसके बाद फिर यहाँ से पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप सपोर्ट, तो इसके ऊपर आप लोग टैप कर देना। उसके बाद नीचे फेसबुक का ऑफिशियल ईमेल आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोग टैप कर देना तो इस जीमेल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं जीमेल पर रिडायरेक्ट हो चुका है। उसके बाद एस एंटर पेज शो हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रामा और ट्रूवल ऑप्शन पहले से कंप्लीट हो। नीचे सब्जेक्ट की जगह आप लोग की एंटर करे तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मोबाइल को होम स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ से मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट के नीचे जो जुमला यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोबारा इस पेज पे आते हूँ और यहाँ पर लाकर सिंपल ही मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह आप लोग भी एंटर कर देना। उसके बाद नीचे कंपोज ईमेल है तो यहाँ पर आप लोग फिर से वो अपील पेस्ट कर देना जो पहले दो लाइन में आपने लगा दिया। मैंने अपील पहले से कॉपी करके रखा। हाँ जी, यहाँ पर ही भी मैंने पेस्ट कर दिया। अपील पेस्ट करने के बाद नीचे अकाउंट की डिटेल भी एंटर कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद आप लोग अपना गोल्ड नमीन आईडी कार्ड अटैच कर देना। ये बात तो मैंने आपको पहले से भी क्लियर कर दिया, अगर आपके पास कोई भी गोल्ड नमीन आईडी कार्ड है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड जो भी है तो यहाँ पर आप लोग अटैच कर देना। लेकिन बाजे लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है, जिसके पास आईडी कार्ड है उसके ऊपर नेम और डेट ऑफ बर्थ मैचिंग नहीं करेगा। तो इस तरह हालात में आप लोग क्या करेगा, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उससे जो चांस था बहुत कम है कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो फेसबुक टीम आपका अकाउंट रिव्यू करेगा। तो अब मेरे पास इस अकाउंट का कोई भी आईडी कार्ड नहीं है, तो इसके अटैच आइकन ऊपर क्लिक करता हूं और अपने गैलरी से वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करता हूं। हाँ, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी सेलेक्ट कर दिया, नीचे आप लोग देख सकते हैं। बस इतने से काम करने के बाद आगे आप लोग और कुछ भी नहीं करना, ये अपील आप लोग सेंड कर देना। तो इसके लिए सेंड का आइकन शो हो जाएगा, तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अभी ऐसे पेज डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ गया। इसका मतलब ये ऐसे अपील बिल्कुल सेंड हो चुका है। बस इतने से काम करने के बाद आगे आप लोग और कुछ भी नहीं करना, आप लोग इंतजार कीजिए। कितना इंतजार कीजिए ये बात तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जब तक फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तो उस टाइम तक आप लोग जरूर इंतजार करें। अभी आप लोगों के माइंड में एक और सवाल भी आता है कि हमको कैसे पता लग जाए कि फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया या नहीं। तो इसके लिए आपके पास जो जीमेल अकाउंट है फेसबुक टीम, वहाँ पर आपके पास एक ईमेल भेजेगा और इस ईमेल के अंदर फेसबुक टीम वाला आपको एक लिंक देते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट डायरेक्टली रिकवर हो जाएगा, आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक ही बात क्लियर कर दी कि अगर आपके पास कोई भी गोल्ड नमीन आईडी कार्ड है और आप लोग इस तरह ट्रिक अप्लाई करें तो हो सकता है कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। आपके अकाउंट का जो चांस था वो ज्यादा कि फेसबुक टीम आपका अकाउंट रिव्यू करेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं और आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट अटैच करें और आप लोग सबमिट करें तो फिर आपके अकाउंट का जो चांस था बहुत कम है। तो बस ऐसे ही आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर देना, हो सकता है कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। बाकी अगर आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर कोई और प्रॉब्लम है या आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं या आप लोग मेरे सोशल अकाउंट के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बस सिंपली आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक कर देने, मेरे सोशल अकाउंट सामने आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। बस आज की वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ गया, तो आप लोग जल्दी से आकर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहले बार अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से आकर मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना ये तो बिल्कुल फ्री है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं करें, जल्दी से आकर चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।